हेलो सभी को नमस्ते। नमस्कार। तो आज जो एक वीडियो है बहुत ही मतलब हमारे खुद के एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, जो हमारा खुद का एक्सपीरियंस था। तो ये ब्लॉग समझ लीजिए, एक ब्लॉग जैसा ही है। तो हमने अपनी बच्ची का एडमिशन कराया है CMS में, सिटी मोंटेसरी स्कूल, सिटी मोंटेसरी स्कूल जो लखनऊ गोमती में नगर। है। बिल्कुल। तो हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा और हमें क्या क्या कितना नर्वसनेस था, इतना हमें अपने टाइम पे नर्वसनेस नहीं हुआ, सच में हमें बहुत नर्वसनेस थी। तो हमारा क्या एक्सपीरियंस था तो वो आज हम आपके साथ शेयर करने। तो ये छोटा सा क्लिप है जो हमने उस दिन शूट किया था। तो काश्मीर जा रही है अपने स्कूल आज एडमिशन के लिए, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो इधर काश्मीर के पापा भी अभी सो के उठ के आए हैं, रेडी होने वाले हैं काश्मीर के एडमिशन के। क्या लगता है एडमिशन होगा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा, कोई स्कूल है बनाया इसलिए कहीं बच्चे पढ़े वहाँ पे। हमारा बच्चा वैसे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आई एम डैम श्योर। चलिए देखते हैं। तो मिलते हैं आपसे काश्मीर के स्कूल में। बाय बाय। बोलो बेटा। तो पहुंच गए हम काश्मीर के CMS स्कूल, सिटी मोंटेसरी स्कूल, जो लखनऊ गोमती नगर में है। तो शुरुआत में बताना चाहता हूँ कि थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि जैसे 3 साल का काशवी हो रही थी, तो अधिकतर हम देखते हैं कि 2 एंड 5 ईयर, 2.5 साल का जब होता है ना बच्चा, तो हम चिंता हम उस 2.5 साल तक तो शायद कोई नहीं सोचता है कि स्कूल में डाल ले, पर 2.5 साल एक ऐसा एज ग्रुप बना रखा है कि प्ले प्ले में स्कूल डालता नर्सरी है में बच्चा 2.5 बच्चों को साल का शुरू हो करें। गया है। पर ये टाइम थोड़ा अलग था, कोविड चल रहा था, स्कूल हम बंद पिछली थे, बार हम नहीं ऑनलाइन थी। करा पाए ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन भी क्या हम हाँ, सामने प्ले अगर शायद कराया ही कोरोना नहीं ना होता ना, तो हम 2.5 साल पर नहीं बच्चे सकते। का करा देते। और मैं थैंक्स ये अपॉर्चुनिटी मिली, जो मुझे लगता है कि बच्चों को मौका देना चाहिए घर पे बात पेरेंट्स के साथ जा रहे टाइम बिताने का, स्कूल में सुबह से वो डिसिप्लिन वगैरह जाता है, तो मैं बड़ा खुश था। इन्हें तो लगता था कि एडमिशन नहीं हो पाया काशवी का, मुझे ऐसा लगता क्योंकि है शायद नहीं हो पा, कभी स्कूल पर नहीं गई तो। मुझे बड़ा ठीक लगता था कि अच्छा लेट हो रहा है तो ठीक हो रहा है। तो अब तीन हाँ साल भी हो गए, 3.5 साल भी हो गए एडमिशन नहीं हुआ, अब काशी 4 साल की होने वाली थी। तो ये एडमिशन कराना है, आप नहीं सोच रहे हो कहाँ कराएं, तो बीच में हम मैंने कहा कि हम कुछ जैसे बियॉन्ड स्कूल है, वेदांतु है, ऑनलाइन क्लास करा लेते हैं। पर उसमें क्या लग रहा था, वो केवल कोचिंग टाइप में थे, ट्यूशन स्कूलिंग नहीं थी वो, एक कोई डिग्री या जैसे रेगुलर पढ़ते रहते ना स्कूल में, वैसा नहीं था। तो इन्होंने भी कहा कि नहीं, इसे हम बाद में अलग से करा लेंगे, पर स्कूल तो जरूरी है, स्कूल जरूरी है। तो अच्छा स्कूल ढूंढना ये अपना में एक चैलेंजिंग था, कहाँ कराएं एडमिशन। तो हमने सबसे अपने आसपास ढूंढना शुरू किया, तो एक जैसे गुरुकुल विद्यापीठ हमारे पास में है, NDT एक पास में खुला हुआ है, पर हमें होता यहाँ ना पे एक सपना होता है कि बड़े स्कूल में डालें, थोड़ा अच्छे में डालें, तो इस तरह हम सोच रहे थे। तो बिल्कुल फिर और बड़े स्कूल हमने कहा और कौन सा दिल्ली है, तो लखनऊ में जयपुरिया जैसा आप नाम ले रही हैं, सर्च जयपुरिया, करते हैं। तो हमने हर सर्च कोई चाहता किया, है अपने बच्चे को अच्छे हमने स्कूल में सर्च किया कि पढ़ाए। कौन से बेस्ट स्कूल लखनऊ में है मेरे बच्चे के लिए, तो हाँ लिस्ट निकल के आई CMS वगैरह तो की। अब जर्नी हम आपको बताते हैं, हम क्या क्या हुआ, क्या क्या तो चैलेंज आए हमारे सामने। सेलेक्ट किया कि कौन से में कराना है, तो हमने CMS सेलेक्ट किया। फिर हम गए स्कूल में। उससे पहले भी हमने ग्राउंड होमवर्क किया था, है ना, जो मैंने किया था इसलिए मैं बता रहा हूँ उसको, कि हमने पहले मैंने CMS की वेबसाइट वगैरह पोर्टल हाँ देखे, उसमें उसका सिलेबस रजिस्टर। वगैरह दे रखा है, उनका क्या एडमिशन प्रोसेस है वो सब देखा, उनका LKG का क्या सिलेबस है, नर्सरी का क्या सिलेबस है, उनका फर्स्ट का क्या सिलेबस है, इवन डेट मैं सब क्लास सिलेबस देखा, उनमें क्या क्या एनालिसिस किया, क्योंकि मैं एजुकेशन में काम करता हूँ तो मेरा इंटरेस्ट एरिया भी है, मैं जानना भी चाहता था कि क्या पब्लिक एजुकेशन सरकारी स्कूलों में मेरे साथ ज़्यादा मेरा इंगेजमेंट है, क्या फ़र्क है। तो डिस्कस भी किया इनके साथ में, तो इन्हें भी लगा कि CMS एक बेहतर स्कूल है, उसमें हम करा सकते हैं। और दूसरा हमारे घर के पास ही है, पास से बच्चे एक भी, रीजन, एक दो बच्चे मेन भी रीजन ये आते भी है हैं। उस समय एक चुना, रीजन ये भी है, बहन आती है बच्चे जाते हैं, थोड़ा सा ये भी था। तो सबसे पहला प्रोसेस किया भाई स्कूल सिलेबस के बारे में तारीफ कर दी कि बहुत अच्छा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, यानी ICSE बोर्ड पे, यानी प्रैक्टिकल एंड नॉलेज पे ज्यादा, मोंटेसरी जो मेथड है उनसे सिखाते हैं, जो बच्चों को लर्निंग के लिए बेहतर मानता हूँ मैं, है ना, आपको भी ये केवल रोट लर्निंग पर फोकस नहीं करते हैं, अच्छा लगा। तो ऑनलाइन हमने उसका प्रोसेस शुरू किया। सबसे पहले क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो रजिस्ट्रेशन करने की फीस होती है 700 रुपये, वो फीस गई। तो वो हाँ, ये वीडियो रजिस्ट्रेशन उनके लिए भी है जिनको प्रोसेस से पूरा नहीं पता है सबसे पहले क्या करना होता है, उनके लिए भी है। तो उसके लिए हम स्कूल नहीं गए थे, ऑनलाइन ऑनलाइन हम वेबसाइट पोर्टल पर देखा, तो वहां पे क्या था, उन्होंने एडमिशन लिखा हुआ था और 2-3 काउंसलर के नंबर दे रखे थे कि इस क्लास में गोमती नगर 2 जैसे आप एरिया है, ये काउंसलर है, जैसे हमारा नाम दे रखा था, उनका फोन नंबर भी दे रखे, 3 नंबर दे रखे थे, जो मुझे एक नाम लगा, मैंने उन्हें मैसेज भी किया व्हाट्सएप के हम करना चाहते हैं, है ना। तो अब हमने उसको रजिस्ट्रेशन के भी दे रखा था लिंक वहां पे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन में प्रोसेस आगे बढ़ाया, तो डिटेल बच्चे की क्लास, फादर का नाम, मदर का नाम, और लास्ट में फीस ले ली उन्होंने, और एक मेल आ गया तुरंत कि आपके आपने संपर्क किया है, हमारा कोई काउंसलर आपको तुरंत जल्दी फोन करेगा, जब मैं ये उस पर इतनी इन्फॉर्मेशन आई, काउंसलर का मेरे पास फोन आता है
कि मैंने अपना नंबर दिया था एक्चुअली उसमें, क्योंकि मैं ऑफिस में बैठ के मुझे लंच टाइम में भी टाइम देने की काम किया था, तो मेरे मैंने बताया कि आज ऐसे ऐसे रजिस्टर मैंने कर दिया है। ठीक है, कर दिया तो अच्छी बात है। फोन आपको कहता है कि आपको दिसंबर में किया था मैंने, दिसंबर लास्ट वीक में, तो फोन आ जाता है एक दो दिन बाद ही कि आपके बच्चे को लेकर 5 जनवरी को आपको स्कूल आना है 9 बजे। डेट नोट कर ली, हमारे लिए तो बड़ा दिन था कि काशी को पहली बार किसी टेस्ट के लिए जाना था उसका, यानी उन्होंने बताया कि 5 जनवरी को आपको 9 बजे स्कूल पहुंच जाना है, वहां उसका टेस्ट होगा। तो आप रजिस्ट्रेशन के बाद वो बता दीजिए थोड़ा सा जो चिंता थी। पहले मैंने सिलेबस देखा कि हम लोग नर्सरी में करा रहे हैं उसमें क्या क्या है, तो वो देखा, फिर देखा उसमें कि ABCD है, तो मैं उसको फोर्स करती रही, ABCD लिखो अच्छे से, आपको आना चाहिए, ऐसे मैंने किया, बल्कि झगड़ा भी हुआ इस बात पर, ठीक है होगा नहीं होगा, एडमिशन क्यों चिंता कर रही हो, वो किसी और में करवाएंगे, नहीं होगा इनका थोड़ा ऐसा कहना, मुझे माइंड से इतना ज़्यादा था कि नहीं मुझे इसी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, तो मैं थोड़ा सा प्रेशर किया। वही चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, ज़्यादा प्रेशर बच्चों को नहीं डालना चाहिए, जो मैंने किया है, मैंने डाला है, नहीं बच्चों को ऐसे प्रेशर डालना चाहिए। मतलब हमारा बैलेंस चल रहा था, ये करती थी तो उसे मैं कोप अप करता, खेलने में ज़्यादा ध्यान देता था, हम खेलेंगे वो खेल में, आपको पता ही है बच्चों को जो पढ़ाना होता है वो सब हो जाता है। हम लोग गए, छोटी सी क्लिप आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो खेल भी रही है, तो हम फिर हम गए स्कूल में, जाने के बाद उसका नंबर था, वहाँ पे ना अंदर जाना इतना आसान नहीं होता, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में तो सिक्योरिटी वाले रोक ले, कहाँ जा रहे हो आप, उनका यहाँ एंट्री कर एंट्री करी, मास्क सैनिटाइजर दिया, वो सब किया, हाथ हमने क्लीन किया, खेलने चली गई, जैसे इस वीडियो में आपको दिख ही रहा है, वो खेल रही है। फिर उन्होंने वो फॉर्म फिल कर, फॉर्म वहाँ पे सबमिट कर दिया था, उसके बाद फिर एक उनकी जो हेल्पर होती है, जो असिस्टेंट होती है, वो आई, काशवी का हाथ पकड़ा और वो अलग कहीं लेके चले, पहले हम भी साथ में गए, पर हमें दोनों को अचानक से कहा कि आप लोग यहाँ बैठिए, ये वेटिंग रूम है, इस एरिया में गए, आप इससे आगे नहीं जाएंगे। हाँ। तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा, पहली बार हम बच्चों को लेके गए, अभी तक मैं स्कूल में नहीं गई, बच्चे का इंटरव्यू हुआ, मतलब बहुत नर्वस थे उस टाइम, काशवी अंदर थी, हम दोनों बाहर बैठे थे, उसे लेकर आपने कहा कि 2 घंटे लग सकते हैं, आप बाहर रहिए, इतना स्कूल में स्लोगन लिखे हुए थे बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े, आप फोटो में देख भी सकते हैं, तो हम उसकी बातें करने लगा, देखो कितने अच्छे स्लोगन है, उसकी स्टेयर्स थी ना, स्टोर्स पे भी काउंटिंग कुछ कुछ लिखा हुआ था, मुझे आना लगा कि देखो स्कूल में इस तरह का माहौल है, अच्छी लाइब्रेरी थी पास में, मैं उसको भी दिखाया कि कितनी बड़ी लाइब्रेरी है, बातचीत करने लगे आसपास, और पेरेंट्स थे बाकी पेरेंट्स की तरफ, उसके बाद देखो वो लोग भी आए हुए, उनके भी बच्चे गए हुए थे, फिर देखा कुछ बच्चे रोते हुए आ रहे हैं, कुछ बच्चे मतलब हमारी काशी बहुत टाइम बाद आई थी, कुछ बच्चे रोते हुए आ रहे हैं, तो और नर्वस है कि बच्चा अंदर रो तो नहीं रहा है, मतलब कुल मिला के आजकल जो एडमिशन होते हैं बच्चों के वो बहुत ही, मतलब हमारे टाइम में ऐसे कुछ नहीं होता था, कोई भी जाके बच्चे का एडमिशन करा दिया, हो गया, कितना घूमते, हाँ खड़े खड़े थक गए थे बात करते करते, फिर पास में चेयर पड़ी हुई थी, हम जाकर बैठ गए, इंतजार करते हैं। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बढ़िया मोमेंट था, आप वो बताइए कि जब काशी आई तो क्या था। हाँ, फिर काशवी वहां से फिर दौड़, जैसे 1.5 घंटा हो चुका था, बैठे थे बच्चे आ गए थे, हमारी बेटी आई नहीं थी, तो कुछ बच्चे रोते हुए आ रहे थे, बहुत टेंशन की हमारा बच्चा भी रोते हुए आएगा, क्या हो रहा है अंदर, जैसे वो आई, भाग के आई हंसी से एकदम, मम्मा मैम ने मुझे गुड दिया है, गुड बोला है, है ना, बच्ची को हंसती हुई आई, पहले धीरे धीरे जैसे मैं देख लिया उसने गैलरी में से दौड़ के हमारे पास आई, एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट हमें लग रहा था कि हाँ शायद ये कुछ करके आई है, लेकिन इसने हमें पूछा भी, बेटा मैम ने क्या लिखवाया, बोली मम्मा मैम ने A to Z तक ABCD लिखवाया, मैंने लिख के दिखा दिया, मैंने लिख के दिखा दिया, मैम ने मुझे स्टार भी मिला है। अब ये तो फिर क्या हुआ, जैसे हमारी बच्ची आई, एक और जो और लोगों के बच्चे आए थे, हमारे बच्चे का हाथ हमारे हाथ में दे दिया, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, और जो दूसरे के थे उनको बोला मैम से जाके मिल लीजिए, तो टेंशन शुरू हो गई, तो मैंने जाकर बात की, हमें नहीं बताया कि मैम से जाके, प्रिंसिपल मैम से जाके मिली है या वहाँ मैम से जाके, हमसे कुछ नहीं बोला, सिर्फ बच्चे का टेंशन ले रही थी कि क्यों ऐसा हुआ भाई, क्यों नहीं बताया, बाकी को प्रिंसिपल रूम में भेजा जा रहा है, बाकी उधर भेजा जा रहा है, मैंने कोई नहीं बात कर लेते हैं, तो रिसेप्शन पे गया, उनसे बताया कि हमारे बच्चे को भी अंदर भेजा गया था, बाहर से आ चुकी है, बातचीत करके अब क्या करना है फर्दर, उन्होंने बताया कि आपको अब कल आना है, आज उसका इस तरह का क्लासरूम एंगेजमेंट, मैडम से बात, कल प्रिंसिपल से इंटरव्यू होगा, डिस्कशन होगा, ठीक है कल 9 बजे आ जाएंगे, हो गया बच्चे का इंटरव्यू तो हो गया, बच्चे जो करके आया ठीक है, हम मतलब हमारा इंटरेक्शन टीचर से नहीं हुआ था, तो टेंशन अभी नहीं लग रहा था कि कल इनका इंटरव्यू होने वाला है, तो ये चिंता करती है मेरा बच्चा तो पास कर गई, मैं क्या करूंगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं होगा, पेरेंट्स को नहीं सिखाना होता है, तो ऐसा कोई सवाल नहीं पूछेंगे, बस ये पूछेंगे आप बच्चों को सिखा सकते हो, जैसे मुझे लग रहा था, अभी क्या होगा वो उसको बताने वाले हैं, हुआ क्या, ये हम सोच रहे थे बात कर रहे कल क्या होगा, कल क्या पूछे, पॉजिटिव चीजें मतलब करके आई है, हमें खुद को लग रहा था कि अब हमारा क्या होगा, हम मतलब मुझे लग रहा था कि मेरे से कैसे क्वेश्चन पुट अप करे जाएंगे, क्या होगा, मतलब कुल मिला के बहुत टेंशन हमारी सेकंड डे भी बनी गई। तो अगले दिन हम 9 बजे से फिर थोड़ी लेट हो गए, है ना, फिर हम लेट 9:30 तक पहुंचते हैं,
तो 9:30 पहुंचे तो मैंने कह रहा उस दिन मैं थोड़ा कहा कि टाइम तक आना चाहिए था, वैसे भी इंटरव्यू है, तुम लेट करा दिया। पेट्रोल पंप पहुंचे उस टाइम 8 नंबर चल रहा था, जहां अंदर अंदर जहां पे एरिया था वहां पर जगह नहीं मिली हमें बैठने की, हम बाहर गैलरी में जाके बैठ गए। तो वहां और चेयर वगैरह 9, 10, 11 ऐसे करके बैठा रहे थे वो लोग, तो मतलब लाइन लगने की तो हम सबको आदत है ही, तो उसी तरह से बैंक में लाइन पे बैठे थे, अपना नंबर आता है उस पे टोकन से नंबर चल रहा था सिर्फ। उसके बाद नेक्स्ट डे वही थी वो, आप इतनी इंपॉर्टेंट बात कैसे मिस कर रहे हो, कैसे काफी लोग दोस्तों से खेल रही थी। सेकंड डे काश्वी को नर्वसनेस नहीं थी, लेकिन सेकंड डे मुझे बहुत, फर्स्ट डे से ज्यादा मुझे सेकंड डे नर्वसनेस थी, क्योंकि फर्स्ट डे उसका तो हो चुका था इंटरव्यू या जो भी था, सेकंड डे हमारा होना था, तो हमें नर्वसनेस थोड़ी ज्यादा, मुझे ज्यादा थी, इनको इतना नहीं थी। काश भी अपनी उम्र के बच्चे आप थे, देख सकते हो जाके पकड़ रही थी सबके हाथ, खेल रही थी, भाग रही थी, वहाँ एक्वेरियम रखा था एक्वेरियम, तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था बच्चों के लिए, पास वहाँ जा रही थी मछली को देखती, मुझे भी ले जाती पकड़े पकड़ बताओ दिखाओ, बाहर झूल जाने की जिद थी, तो बीच में मैं झूले भी ले गया, मैंने कह दिया कि जब नंबर आए तो मुझे बुला लेना, तो इतना हम काश के साथ झूले भी झूले, मुझे लगा कि बहुत टाइम होंगे वापस आना चाहिए, वापस भी आ गए, तो जब तक वापस आए थे तो शायद 30 तक पहुंच चुका था। आप देख सकते हो स्किप में यहाँ पे वीडियो में यहाँ पे कहीं भी लगा देंगे, देखिए वो कुछ लड़की ऐसे पकड़ के वहाँ पे खेल रही है, छोटा सा वीडियो आप ये भी हम लोग बाकी वीडियो है ये, उनकी उनसे बातचीत की वो भी अच्छा लगा, बता रहे थे कि वो भी कहाँ क्या करते हैं क्या करते हैं, तो जब टाइम पास करना होता है अपने आप बातचीत करके, वो हमने अपना टाइम पास किया, काश भी ने अपना एंजॉय किया अपने बच्चों के साथ खेल कर, उसे हमें रोकना पड़ा कि बस बहुत खेलने हैं अब हमें इंटरव्यू देना है चलो। फिर हमें एक चीज और लग रहा था वहाँ पे जाने से पहले भी लग रहा था, फिर जो नेक्स्ट डे टीचर पेरेंट्स से हमारा जैसे इंट्रोडक्शन में पूछा आपका बच्चा कितने साल का है, किसी ने बोला हमारा बच्चा अभी 3.5 साल का है वो नर्सरी में जा रहा है, किसी ने बोला मेरा बच्चा 5.5 साल का है वो नर्सरी में जा रहा है, तो एक वो टेंशन जो थी वो भी थोड़ा सा कम हुई कि चलो ठीक है हमारा बच्चा भी 4 साल का हुआ नहीं है, हमारा डिसीजन हमने सोचा कि नर्सरी में अभी हम करा रहे हैं, क्योंकि एक साल नर्सरी में फिर एक यूकेजी में 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7 और फर्स्ट में पहुंच जाएगी, जो एक मुझे लगता है कि ठीक एज है क्लास 1 के लिए। बहुत ज्यादा हम सोच रहे थे कि मान लीजिए हमने केजी में करवा दिया, अगर ये कर पाएगी करवा दिया तो फिर आगे फर्स्ट का सिलेबस थोड़ा सा बच्चे के लिए हार्ड हो जाएगा, तो माइंड में ये स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता, उससे बचना चाह रहे थे। ये क्वेश्चन मैं अंदर जाके मैम से भी पूछा था जब हमें बुलाया गया था, हमारा नंबर आता है तो हम चलते हैं, तो बाहर वेटिंग एरिया थे, तो काफी उस समय बहुत ज्यादा फैमिलियर हो गई थी स्कूल से भाग रही थी, तो पकड़ आना पड़ा नहीं अभी तेरे अंदर जाना है, अभी तुम्हें नहीं जाना है, टेबल पे भी जंप कर रही थी जो किसी मैम ने बोला, थोड़ा थोड़ा कहना पड़ा नहीं आग खानी पड़ी नहीं नहीं अभी पहले इंटरव्यू हो जाने थे उस तब हम खेलेंगे, तो काफी अलग ही माहौल में थी, उसका नंबर आता है हम अंदर जाते हैं, तो अंदर क्या था कि एक तरफ सामने प्रिंसिपल मैम बैठी हुई थी, टेबल थी उनकी, बड़ी सा हॉल था, एक तरफ एक इंटरव्यू चल रहा था, दूसरी मैडम इंटरव्यू ले रही थी, तो मतलब तीन आप समझे तीन सीटिंग एरिया था, टेबल मेज प्रिंसिपल का अलग है, एक तरफ एक मैडम है एक उधर बच्चा ले बैठे, तो हमारा जो मैडम के पास नंबर आता है तो हम जाते हैं, तो उनके टेबल पर कुछ टॉय रखे हुए थे, कुछ कलर्स है ना, और जो रिंग वाले खेल होते हैं या कुछ टॉफी रखी हुई थी मैडम के पास में, फॉर्म और पेन, कुछ तैयार से बैठे बच्चों से इंटरेक्ट कर पाए बातचीत कर पाए, तो तैयार थी। काश्वी जाती है, वो काश्वी से हमसे पूछती है, मैडम ने बातचीत शुरू की हमसे, काश्वी से सबसे पहले काश्वी का नाम पूछा, व्हाट्स योर नेम, उन्होंने हमें बताया कि जो बच्चे ने लिख के दिखाया जो था, एक दिन पहले लिख के आई थी, वो बहुत ही काश्वी सब ठीक लिख के दिखाया था, वो सबसे दिखाया हाँ, वो सबसे पहले वही बताया कि ये आपके बच्चे ने कल लिखा है, तो इसने ए टू मतलब ए बी सी डी ए से लेकर जेड तक खुद से लिखी थी, वो मुझे भी लग रहा था क्योंकि मुझे घर पे उसको बताना पड़ता था बेटा अब जेड आएगा वाई आएगा, लेकिन वहां पे वो लिख के आई, खुद से लिख के आई, ये बहुत बड़ी बात मेरे लिए थी। उसके बाद मैडम ने बात शुरू की अपनी असली मेन प्रोसेस की, ये आपका क्लास का फीस स्ट्रक्चर है, आपको यह फीस जमा करनी है, आप आगे ऑफिस में जाएंगे वहां आपको डिटेल बता दिया जाएगा, आपके बच्चा का एडमिशन हो चुका है, मार्च तक सेशन शुरू होगा, जल्दी जल्दी अपनी सीट आप बुक करा ले, है ना। बच्ची काजी मुझे एक राइम सुनाएगी, काश्वी ने राइम सुनाई और मैकडॉनल्ड हैडर फॉर्म वाली, मैडम उसे टॉफी भी दी थी, हाँ, अच्छी बात की मैडम ने, हमको अच्छा रहा कुल मिलाकर, जो मतलब मुझे टेंशन थी नर्वसनेस थी कि हाँ हमारे कुछ लोगों के माइंड में होता है कि हमारा इंटरव्यू का हमसे क्या पूछा जाएगा, तो हमारे साथ ऐसा, उन्होंने केवल हमसे ये बताया कि कितनी फीस जानी है, ये फीस है और फीस आपको और फिर बता दिया जाएगा और कब सेशन शुरू होने जा रहा है कि इतनी इंफॉर्मेशन हमें, हाँ, और एक चीज और कि आप खुद से करेंगे छोड़ने आएंगे या बैंक हाँ, इस तरह की बात पूछी और स्लिप दे दिया हमें, उसमें स्लिप थी फॉर्म था ड्रेस यूनिफॉर्म का चार्जेज है, इस तरह के 2-3 कागज हमारे हाथ में चपरा, और अगर आप बैन लगवाएंगे तो बैन का अलग डिपार्टमेंट है, वहां जाके आप बात कर लीजिए बैन के प्रिंसिपल के मैम का आसन भेज दिया, आप उनसे मिल लीजिए, तो मतलब कुल मिला के प्रिंसिपल के पास गए, प्रिंसिपल ने पूछा कि आप क्या काम करते हैं, तो मैंने बताया कि मैं क्या काम करता हूँ एजुकेशन में, उसके बाद कि आप बच्चे को छोड़ना आएंगे, हाँ छोड़ना आएंगे, बस इतनी फॉर्मेलिटी में 2-3 बात उनसे बात की, बाहर हम आ गए उसके बाद में, तो उस पहला दिन उसके बाद हम गए फीस काउंटर की तरफ, तो मैं ऑनलाइन फीस को प्रेफर करना चाह रहा था,
मैंने उन्हें बताया कि मुझे ऑनलाइन फीस है, सर्वर रूम में जाइए ऑनलाइन फीस जमा करने के लिए। एक काउंटर था जहाँ पे कैश में जमा होनी थी, चेक में जमा होनी थी, पर मैं ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि मैं सर्वर रूम में गया तो बताया कि मैं भाई मैं एडमिशन है तो आपको ऑनलाइन जमा करना। उन्होंने बताया कि आपको हम एक मेल भेजेंगे उसमें लिंक होगा, उसके साथ आप नेट बैंकिंग जिस भी आप कई सारे गेटवे है पेमेंट के कोई सभी फॉलो कर सकते हैं। मैं ठीक है मेरे लिए सूटेबल है। उस बीच में हम उसके पास एक ऑफिस में भी जाना था एक सर के पास में, उनके पास गया तो उन्होंने बताया कि आपको जो ये फीस है 8 महीने एक सेशन चलता है मार्च से लेकर चलेगा, पर आपको 12 महीने की फीस जमा करनी होगी। तो कैसे क्लबिंग की गई है उसकी मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी उन्होंने कि मार्च के महीने में आपको एक और जुलाई के महीने में या जून के महीने में 12 महीने की फीस जो है वो 8 महीने में लेनी स्कूल वाले ले सकते हैं। इतना वहाँ पे वो फीस इसका कर रहे थे इतना मकाशियों को लेके बाहर चली गई जहाँ पे वो खेल रही थी। हाँ तो ये सारी उन्होंने बता दिया कि हम फीस देनी है, ड्रेस कहाँ से मिल सकती है और डॉक्यूमेंट बताए। डॉक्यूमेंट क्या बताया मैं बता देता हूँ, तो फोटो चाहिए था, एक बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड। तो मेरे वहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट था इसलिए मैं कोई आधार कार्ड की चिंता नहीं थी, वैसे भी हमने आधार कार्ड बनवा लिया है, पर वहाँ पे हमें बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए था मेरे लिए या आपका आधार कार्ड है। एक दो फोटो बताए उन्होंने हमें और तीसरी चीज पेरेंट्स के आधार कार्ड, इतने डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ी क्योंकि काशी की पहली क्लास थी इसलिए उसको पुराने स्कूल का डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं थी। अगर वो किसी और स्कूल में पढ़ रही होती तो उसे कुछ पुराने स्कूल का डॉक्यूमेंट वगैरह लाने पड़ते हैं। और हमारे पहले स्कूल यही है, मैं उन पेरेंट्स को यही बोलना चाहूंगी लास्ट में वीडियो का कंक्लूजन, जो वीडियो बनाने का हमारा मेन मोटिव है वो यही है, जो पर्पस है कि ज्यादा अगर आपका बच्चा कोविड के चलते नहीं जा पाया है 1 साल या 2 साल तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो घर पे जो सिखाए ना आप बच्चे को घर में सिखाए, वो जो हम घर में सिखाए हैं ना वही काम आया है, वही अच्छा है। तो मतलब स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है कि हमारे बच्चा 5 साल का हो गया अभी तक स्कूल नहीं गया कोरोना के चलते, सीख जाएगा आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और टीचर्स ने भी सबसे पहले यही बोला कि मैंने बोला जैसे कि हमारी बच्ची 4 साल की है तो मैम क्या ठीक है या हम उसको भी केजी में कराएं नर्सरी बना करा के, तो मैम ने मुझे यही बोला कि बहुत जल्दी बच्चे का नहीं करना चाहिए 4 साल की नर्सरी में, जैसे 4 साल की होने वाली है तो नर्सरी में ठीक है, अगर आप केजी में करवाएंगे तो आगे फर्स्ट में जाएगी, आपको तो लग रहा है कि ठीक है लेकिन बच्चे में प्रेशर बहुत जल्दी आ जाता है, तो बहुत आगे क्लास में कराने का एज की वजह से जल्दबाजी ना करें। बस मेन वीडियो का यही है और टेंशन बिल्कुल ना लें। अभी क्या है मार्च में एडमिशन हम फीस के बारे में बताया गया, लिंक आ गया, फीस जमा कर दी है हमने, 7 मार्च बताया गया है ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होंगी, तो उसका इंतजार कर रहे हैं। मैडम हमें बताएं कि अब आगे कैसे ले जाना है, तो तब तक फिर शायद जब स्कूलिंग शुरू होगी तो काशवी की जर्नी आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। हमारा मन है काशवी क्या क्या कैसे कैसे आगे बढ़ रही है, उसका एक अलग हम चैनल भी बनाने का सोच रहे हैं, अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो काशवी का अलग चैनल बनाएंगे, उसमें काशवी जर्नी दिखाएंगे बिल्कुल। तो आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है काशवी के चैनल के लिए भी, जैसे आप अपना प्यार यहाँ दे रहे हैं आप अपने चैनल पर भी हमारे प्यार दीजिए, आगे चल के बनाएंगे, अभी नहीं हम बना मतलब अभी हमने नहीं सोचा है लेकिन हाँ अगर आप लोगों का प्यार बना रहा तो काशवी की एक्टिविटी का चैनल भी हम जरूर बनाएंगे अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो। तो आज के ब्लॉग को मैं लगता है काफी बातचीत कर ली है, रुकना चाहिए अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक तो ये हाँ। तो बस आज का ब्लॉग हमारा हो चुका है खत्म, छोटी सी हमारी जर्नी थी जो मैं चाह रही थी आपके साथ शेयर करना, तो बस इस छोटी सी वीडियो को बहुत सारा प्यार देना और छोटी सी तो नहीं टाइम तो काफी ले लिया यार जो भी है, तो बस आप भी हमारी एक फैमिली है तो सोचा आपसे भी शेयर करें, तो बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, अगर बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ आराम से हो जाएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Yeah!